अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप जो है ना डाउलेंस एयर फ्रायर में डाउलेंस एयर फ्रायर ओवन माइक्रोवेव ओवन जो है उसमें पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं। तो सब ने जो है ना मेरे से ये पूछा था और आज जो है मैं ये आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि कुकिंग जो है ना हमेशा इस तरीके की शेयर करनी चाहिए कि ना तो आपके पैसे वेस्ट हों और ना आपका टाइम वेस्ट हो। तो सबसे पहले मैंने ख़ुद तजर्बा किया कि किस तरीके से जो है ना हम लोग बना सकते हैं और अब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और एक साइड में मैं आसान तरीका आप लोगों को बताऊंगी, अगर टाइम आप लोगों ने बचाना है तो उसके लिए कैसे करना है, और अगर आपने पूरा जो है माइक्रोवेव ओवन जो एयर फ्रायर है डाउलेंस का उसमें बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं। कैमरा ऑन नहीं किया तो और बोल रही थी। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये जो है ना मैंने पिज़्ज़ा डो बनाया है और इसको जो है तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं। इंस्टेंट भी आप लोग बना सकते हो, देखो ये पूरा जो है ना हवा इसमें भरी हुई है। ये जो है टोमेटो केचप है और ये है मोज़रेला चीज़। इतना ज़्यादा मैंने कुछ डालना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे जो है ना ईजीली पिज़्ज़ा बन सकता है। और बाकी अगर चिकन टिक्का आप लोगों ने बनाना है तो उसके लिए चिकन के जो पीसीज हैं वो पहले से, ये तो आप लोगों को पता होगा ना नॉर्मल किस तरीके से बनाते हैं, ये तो आप लोग जानते हो। ठीक है, इसको जो है ना यहाँ से मैंने निकाल दिया है और ओरिगानो मैंने डाला नहीं था, मैं भूल गई थी, अभी जो है ना मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, रस करेंगे। ठीक है, ऐसा ऑयल मैं डाल देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर मेरे हाथों के साथ भी नहीं चिपके। अभी हम लोग क्या करेंगे, दो पिज़्ज़े हम लोग बना देंगे, एक मैं नॉर्मल वाला आप लोगों के साथ बनाऊंगी, एक जो है ना बेक बताऊंगी और एक को जो है बेक करके बताऊंगी। इतना ज़्यादा जो है ना कुछ करना नहीं है। चलिए ये हो गया, ये बाद में बंद कर देंगे और इसको हम इसमें ऐसे मिक्स कर देंगे। एक छोटा सा पिज़्ज़ा मैंने बनाना है तो कैसे होता है। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर मैंने ओरिगानो डाल दिया है। ठीक है, ओरिगानो जो है बताऊंगी कि इसके बाद क्या होगा। देखो केचप कितना आप लोग डालते हो तो ये आप ज्यादा अभी नहीं डालोगे। ठीक है, आपने पहले रोटी को बेक करना है, बस जो स्टेप ये देखो चीज मैंने स्टार्ट किया है और चीज को हल्का हल्का इसमें डाल देंगे, बाद में फिर से डालेंगे। अच्छा, ये ओवन जो है ना मैंने ओपन कर दिया है, कोई प्री हीट नहीं है, कुछ भी नहीं है और इसके अंदर मैंने ये पिज्जा रख दिया है। ठीक है, इसमें रख दिया है अभी। अच्छा, इसके बाद जो है ना ऑटो मेन्यू, ठीक है, ये मैंने दबा दिया है। यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, A1 आपने नहीं करना, A9 करना है, 6 7 8 9। देखो ये देखो A9 हो गया। ठीक है, अभी जो है आपने इसको कंफर्म को प्रेस करना है, हो गया। ये देखो ग्राम्स आ गए कंफर्म को, जैसे ही आपने प्रेस किया इसमें जो है ना वेट आएगा। ठीक है, वेट जो है बहुत ज़रूरी है, आपने करना है 400 ग्राम। देखो इसमें कितना है, 200 300 400, मैंने 400 ग्राम डाला है, आप अपने हिसाब से जो है ना डालें जो आपने करना है। ठीक है, आपने जस्ट इसको जो है ना अभी दबा देना है। 14 मिनट्स आपके यहाँ पे आ गए, 14 मिनट्स आपने आराम से जो है ना इसको देने हैं, जब तक बीप ना आए तब तक इसको आपने चलने देना है। 14 मिनट्स हो जाए तब मैं आपको फिर से बताती हूँ कि क्या होगा। ये जो है इजीली मैं बता रही हूँ, मतलब बनेगा ओवन में बेक होगा, बट ये है कि मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ। ठीक है, ये भी बेक होगा कहाँ पर, ओवन में बेक होगा, लेकिन इसके लिए डो जिस तरह मैंने अभी इसको ऑटो मेन्यू और 9 पे लगाया है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग सीधा सीधा जो है ना डाल देंगे फ्राई पैन में, बेक होगा बट कैसे होगा। मेरा पिज्जा जो है ना अंदर चला गया पैन के,
और इसको सही है, हो गया। अभी बंदे को यहाँ पे जो है ना 14 मिनट्स हम लोगों ने लगाए थे, अभी 11 पे आ गए हैं। ठीक है, अभी इसको चलने दो और फौरी से जो है ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा पिज्जा बन रहा है हल्की आंच पे। ये सिर्फ मैं बेकिंग अंदर करूंगी, लेकिन मैंने क्या करना है कि आपको बताना है कि अगर डो आप यहाँ पे पैन पे तैयार कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, और वो जो टाइम है ना आपका 15 मिनट का और 14 मिनट का बच जाएगा। देखो जिस तरह हम लोगों ने उसमें डाला था, इसमें हल्का हल्का। अच्छा, पहले वहां पे चेक करते हैं, टाइम दिखाओ, यहाँ पे 8 मिनट रह गए हैं और यहाँ पे हमारा डन। ये देखो, ये पिज्जा डन हो चुका है, कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। नीचे से देखो, नीचे से देखो, ये देखो, ये देखो, थोड़ा सा वेल कुक मुझे पसंद है, मैंने ऐसे कुक किया है। तो मैं आप लोगों को जो है ना सजेस्ट करूंगी कि डो आप लोग जो है ना पैन में तवे पर आराम से बना लें, इसके बाद जो है ना टॉपिंग रख के फिर आप अगर डार्लिंग्स माइक्रोवेव में बेक करें, अमेजिंग हो। देखो, ये जो है हमारा पक चुका है, तैयार हो चुका है ऊपर से, और हम लोग क्या करेंगे इसको हल्का 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 ये इसमें लगा देंगे। अब ये जो है डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पे, आपको केचप पसंद है या नहीं है पसंद, तो ये सारा जो है ना इसके अकॉर्डिंग हम लोग को। इतनी ज़्यादा सब्जियाँ भी नहीं पसंद, मेरे बच्चों को जस्ट चीज़ वाला जो है पसंद है, और अभी मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास ना चिकन है ना कुछ भी नहीं है, वैसे अगर होता तो मैं जरूर इसके लिए तैयार करती, बट अभी मेरे पास नहीं, तो इसलिए मैं ये सारा ये चीज़ डालूंगी, बाकी इसको भी देख लेंगे। ठीक है, मुलाजम की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत अच्छी चीज़ होगी। ठीक है, क्योंकि ये फ्रीज हो चुका था और फ्रीज के बाद हम लोगों ने जो है रखा है, इसको डिफ्रॉस्ट किया है, डिफ्रॉस्टिंग के बाद ऐसे लग रहा है जैसे बहुत अच्छी चीज़ होगी। अच्छा ना, अच्छा, और इसके ऊपर जो है हम लोग क्या करेंगे, आटा है, मेरी है, इसके ऊपर हम लोग छाना डालेंगे सॉल्ट। ठीक है, नजर आ रहे हैं, फिर सॉल्ट डाल देंगे और इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे रेड चिली पाउडर। अच्छा, ये मैं इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि पिज्जा हम लोग ऐसे बनाएंगे, जिससे ये जो पिज्जा है ये वेट कर रहा है बेकिंग के लिए, ये बाद में करेंगे, और इसका जो है ना वो डो मैंने आपको बताया ना, तो वो जो है ना बन चुका है, ये देखो। ठीक है, और ये वाला जो है इसमें अभी रह गए हैं 4 मिनट्स, तो ये जो है ना पिज्जा जो वेट कर रहा था अभी वेटिंग पे है, है ना, हमारा टाइम रह गया है 1 मिनट 23 सेकेंड 2018। ओके, खुशबू बड़ी मज़ेदार आ रही है। ठीक है, जैसे तंदूर में रोटी, और आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, अभी जो है ना तंदूर की जो मजे की रोटी की खुशबू होती है, तो वो जो है ना खुशबू आ रही है, लेट्स सी कि कैसे बना है, क्या बना है। और इसलिए मैंने कैमरा जो है ना ऑन रखा हुआ है ताकि आप लोगों को जो है पता चले, और आप लोगों के सामने जो है ना माइक्रोवेव ओवन में ओपन करूँ। ठीक है, भैया प्लीज ऑन कर दो ये पंखा, क्यों ऑफ किया है हम लोगों ने, ये देखा, ये ऑफ हो गया, बीप की आवाज आई। ठीक है, और फिर जो है ना हम लोगों ने स्टॉप का बटन दबा दिया, और ओपन करती हूँ मैं अभी ये देखे, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा बना है, इतना प्यारा बना है, वाह जी वाह। बिल्कुल गलत निकली, क्योंकि जो ओवन में बना है कमाल बना है, कमाल। गुड़िया प्लीज कम एंड चेक, प्लीज कम कम एंड चेक, माशाल्लाह, एंड से माशाल्लाह, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। अच्छा, अभी जो है इसके ऊपर हम लोग हल्का सा, क्योंकि ये तो यूज करना है ना, तो अभी इसके ऊपर मैं ये डाल देती हूँ, और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा बना है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा बना है, और मेरे पास वर्ड्स हैं। जो आम पिज्जा में बनता है और आम पिज्जा में जो चीजें जाया होती है ना। अच्छा, प्लेट उठाओ, ओपन करो प्लीज, यस, इसको हम लोग रख देते हैं, बंद करो। अच्छा, ये हमारा पिज्जा तो बन चुका है। ठीक है, अभी इसका मैं बताऊंगी कि इसकी टॉपिंग आप लोग कैसे जो है ना इसको पकाएंगे। तो पहले आपने क्या करना है कि पिज्जा को आप अंदर रख लें। ठीक है, पिज्जा को आपने अंदर रख लिया, इसके बाद आपने दबाया ये, ठीक है, ऑटो मेन्यू। ठीक है, ऑटो मेन्यू में फिर से 9 तक जाना है। ठीक है, A9 दबाना है, 400 ग्राम, एंड प्रेस करना है। ठीक है, 13 मिनट्स है, लेकिन 13 मिनट्स तक आप लोगों ने नहीं पकाना,
आपने 6 मिनट के बाद ही निकाल देना है, ठीक है। मैं आपको 6 मिनट के बाद, ये देखिए अभी 11 मिनट मैंने आप लोगों को बोला ना कि आप जो है ना इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। आपने जस्ट जो है ना हम लोगों ने नीचे से पहले से पका लिया था, ऊपर वाला पकाना है, और दूसरा ये कि टॉपिंग जो है ना हम लोगों को पकानी है, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आपको रेड चाहिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। चलिए अभी जो है ना देखो 7 मिनट्स अभी रहते हैं, और मैंने आपको बोला कि इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना, टाइम अपने हिसाब से आप दें, कितना आपको ब्राउन चाहिए, कितना आपका जो है ना क्रस्ट कितना पतला है और किस तरीके का है, तो उसी के अकॉर्डिंग। अभी जो है इसको मैं ऑफ करती हूँ, ठीक है, बंद हो गया, ठीक है। और यहाँ से मैं बहुत गर्म है इसलिए थोड़ा सा केयरफुल है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, जो है ना ये देखिए आपका पिज्जा ब्राउन भी है, वेल कुक भी है, कुछ भी उसमें कच्चा पका नहीं है। ये देखो ये रोटी, ये देखो पहले वाइट थी ना, यहाँ से कैसे मजे से तैयार होती है। अब जो जिसको अगर ये पसंद है तो इस तरीके का बनाए, जिसको ये मैंने आपको बोला ना कि आपने क्या करना है, अगर आपने चिकन इसके ऊपर डालना है, कुछ भी इसके ऊपर डालना है, तो सेम इसी तरीके से डाले, कोई मसला नहीं है। और आपको जो है ना पका हुआ पिज्जा मिलेगा, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दूसरा पिज्जा भी ट्राई कराऊंगी, लेकिन अभी मेरे पास चिकन नहीं था तो इसलिए जो है मैंने सिंपल चीज़ वाला पिज्जा बनाया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो जो है ना बहुत पसंद आएगी। अब डाइनिंग टेबल पर लेकर जाते हैं और आपको जो है ना मैं निकालूंगा, अभी बहुत गर्म है और मुझे भी गर्मी लग रही है। तो अभी ओवन का खत्म, यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है, और पिज्जा लेकर जाते हैं। ये देखो अभी इसको काटेंगे, और क्रस्ट आप लोग देखें, मेरे बच्चे अभी रिव्यू देंगे क्योंकि बहुत चूजी हैं वो मैकडोनल्ड और मैकडोनल्ड और पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा इनको पसंद है, और बाकी पिज़्ज़ा नहीं है पसंद, लेकिन दगना यू पीस कट का हारिस थोड़ा सा टेस्ट करो बच्चे। मेरा बेटा टेस्ट कर रहा है, कैसा है? लाजवाब। जवाब झूठ तो नहीं बोल रहे सर, ठीक हो, नकल तो नहीं की तुमने? वाव, रूडी गेट्स लॉस्ट इट सर। मुझे दो मुझे दो मुझे दो मुझे दो। वेट। तो ये मेरा फेस देखे, ये जो है ना गर्मी की वजह से रेडे किचन में मैंने काम किया है, और आई होप आप लोगों को जो है ना ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत आसान है, बहुत अमेजिंग, मतलब आपके एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा। और अभी मैं टेस्ट भी करने वाली हूँ। लगाने की जरूरत नहीं है, घर पे बनाए कभी कभार अच्छा लगता है घर पे बनाना भी। और जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी स्पेशली ये उनके लिए है, और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। जरूर ट्राई करना, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आप लोगों ने ट्राई किया और कैसे बना। अल्लाह पाक आपके जो दस्तखान में बरकतें डालें। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।